एक महीना पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा को राज्यपाल ने भंग कर दिया और आज एक महीना लगभग इस भंग होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद, यहां उधमपुर का जो प्रशासन है ये अभी भी जो विधायक रहे उस टाइम, पिछली सरकार में जो विधायक रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से प्रमोट करने में लगा है। हम जिला प्रशासन को यहां सीधे और साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इन जो पूर्व विधायक हैं उनको आपने आज के बाद प्रमोट करने की कोशिश की तो पैंथर्स पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी और प्रशासन में जो भी, जिला प्रशासन में जो भी अधिकारी इसको, इनको फेवर करेगा, अनड्यू फेवर करेगा, तो पैंथर्स पार्टी उसके खिलाफ एक आंदोलन स्टार्ट करेगी, एक उसके खिलाफ एक जबरदस्त आवाज बुलंद करेगी। अगर आप देखें कि एक महीने के बाद ना तो इन विधायकों को ये अभी पता चला है कि उनकी कुर्सी चली गई है और वो पूरे विधायक हो गए हैं, अब उनका वो जो ठाट पाट, जो विधायक वाली ठाट पाट है वो यहां नहीं चल सकती है और आप जबरदस्त जो प्रेशर, गैर कानूनी प्रेशर जो आप अधिकारियों के ऊपर बना के जबरदस्ती आप सरकारी फंक्शनों में उनको बुलवाने के लिए मजबूर कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बात करें कि पिछले दिनों सरकारी फंक्शनों में पूरे विधायकों को बुला के उनकी तरफ से इनॉगुरेशन करवाने की कोशिश की गई है, यहां तक के हुई भी है, अभी भी दाल बंगले में कुछ अधिकारी बाकी सारे स्टाफ को लेके उनको मीटिंग में बुलाते हैं और मीटिंग में उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तमाम अधिकारियों को हम फिर से ये कहना चाहते हैं अब उधमपुर जिला के अंदर कोई भी विधायक नहीं है, यहां सारे फार्मर एमएलएज हैं और आपने पिक एंड चूज करके कुछ लोगों को, कुछ फार्मर एमएलएज को अगर आपने प्रमोट करने की दोबारा कोशिश की तो पैंथर्स पार्टी का सामना करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये हम तमाम अधिकारियों को, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो उनके नीचे जितना भी स्टाफ और जितने भी लोग हैं, जितने भी विभागों के हेड्स हैं, उनको हम साफ तरीके से कहना चाहते हैं कि आप उधमपुर के अंदर अपने दिमाग से वो बुखार निकाल लीजिए कि उधमपुर के अंदर कोई विधायक है, कोई विधायक नहीं है, आज सारे फॉर्मर एमएलएज हैं। और आपने फिर से, मैं ये कहना चाहूंगा कि अनड्यू, क्योंकि आप बार बार जब लोग जाते हैं तो आप बार बार उनका नाम लेकर उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं बजाय आप अपना काम करने की, क्योंकि हमें पता है कि आपने चार सालों में इन लीडर्स के साथ, जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ मिलकर आपने बहुत बड़ी चोरियां की हैं, बहुत जो पब्लिक का पैसा आपने हड़प किया है, इसलिए आप उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि हमें किसी ना किसी तरीके से वो जो हमने पब्लिक के पैसे को हमने हजम किया है वो कहीं ना कहीं लीक ना हो जाए। तो इसलिए हम उनको कहना, लीक तो होगा, आपने जो पैसा, जो पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग किया है, जिस मर्जी विभाग, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, चाहे वो पीएचई है, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे वो दूसरे विभाग है, जिन्होंने इन लीडर्स के साथ उस पैसे का जो दुरुपयोग किया है उनको एक एक पैसे का हिसाब पब्लिक को देना होगा। आप ये मत सोचिए कि फलां लीडर का नाम लेने से, उसको प्रमोट करने से हमें को बचाएगा, और अगर आपने ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की तो आपको उससे, आपको उसी तरीके का जवाब मिलेगा, उसी तरीके का खमियाजा भी आपके लिए तैयार रहे, क्योंकि दो, एक तो चोरी की है और फिर आप गैर कानूनी तरीके से किसी लीडर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है।